का वायर निकल चुका है। एंड कमेंट करना कौन सा टायर लगाना चाहिए। एंड ये देख सकते हो पूरा काम तमाम, अभी लग गया खर्चा इसमें। सिंपल जैसा है ना कि आज जो वीडियो होने वाला है लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा ट्राई करूंगा, क्योंकि आगे कभी ऐसा किया नहीं है, क्योंकि मैंने अपना बाइक को बहुत प्यार करता हूँ, सभी करते हैं मतलब हर बाइकर से, लेकिन सबका थोड़ा थोड़ा अपना अपना फंडा होता है, तो अपने को क्या है ना कि बाइक को कुछ तकलीफ ना हो इस टाइप का मेरा होता है, इसीलिए मैं कभी भी रेविंग नहीं करता हूँ आप लोग जानते हो। एंड आज जो चीज़ होने वाला है बर्न आउट, यस फुल ऑन बर्न आउट होगा, क्योंकि अपना टायर ऑलमोस्ट ख़त्म है, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए कंटेंट भी हो जाएगा, आप लोग भी अच्छे लगेगा। एंड फर्स्ट टाइम ही ट्राई करेंगे, देखेंगे, एंड पिक्चर भी लेना है अपने इंस्टाग्राम के लिए, तो मैंने साहिल को बुला लिया एंड हैदर है, कार जा रहा है अपने साथ, क्योंकि इसका जो एक्स्ट्रा टायर है ना वो भी इस पर लेके जाना है, तो इसीलिए क्या सोच रहे हैं अभी इसको बर्न आउट करेंगे सीधे चलेंगे आदर्श भाई के पास, फिर अपना टायर चेंज कर लेंगे। और अभी पूरा टायर में हवा निकल चुका है, तो इसीलिए अभी इसको बोल दो, टायर इन्वर्टर है मेरे पास तो मैं हवा उस पर डाल रहा हूँ। अभी साहिल का कार था तो मैंने सोचा कार जब भाई लेके आ रहा है तो उसको थोड़ा फ़ायदा ले लेते, तो पिक्चर भी लेंगे इंस्टाग्राम में देखने को मिलेगा, एंड भाई भी इंस्टाग्राम में अपना हैदर भी है, तो भाई लोगों को फॉलो कर लेना, सोल राइडर साहिल शेख हैदर 786। तो ये अपना एक नीचे स्टोर रूम टाइप का है, ये गैरेज है ना, एंड इधर अपना बुलेट का भी स्टॉक रखा हुआ है, टायर एग्जॉस्ट वगैरह, एंड ये रहा टायर, ये आप देख सकते हो ये जो टायर है ना अभी भी कम से कम 2 से 4 हज़ार आराम से चलेगा, 4 हज़ार ना भी सही 3 हज़ार आराम से चलेगा, तो इसीलिए क्या सोचे अभी इसको टेम्पररी लगाते हैं, क्योंकि अभी तो अपने को टायर आने में टाइम लग जाएगा, तो मैंने सोचा तब तक के लिए इसी को काम चला लेते हैं। डिगी खोल, ओए। तो ये हो चुका है, एंड ये जो लगा हुआ है मैंने लद्दाख जाने का पहले लगाया था, मिशेलिन है एंड पायलट 5 है, एंड वो भी पायलट 5 है, वन ऑफ माय फेव टायर है भाई, पायलट 9, और ये पायलट 9 है। सामने का टायर अभी चेंज नहीं करेंगे, पेयर में चेंज करेंगे, वो एक बार ख़त्म हो जाने देते हैं फिर पेयर चेंज करेंगे, चेंज नहीं करता ज़्यादातर हवा में रहता है वो। चलो भाई लेट्स रोल गाइस, हवा ना थोड़ा ज़्यादा हो चुका है पीछे, मेरे को समझ में आ रहा है। सो व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल, एंड होप ऑल गाइस आर डूइंग वेरी वेल। तो आप लोग ज़रूर से पूरा वीडियो देखना, फुल फन होने वाला है, न्यू एक्सपेरिमेंट होगा, फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे बर्न आउट कैसे क्या होता है, मेरे को मैंने कभी कोई बाइक पे किया नहीं है मतलब प्रॉपर तरीके से, तो आप लोगों को पूरा देखने को मिलेगा एंड क्या हाल होता है टायर का। मेरा एक चीज़ का टेंशन क्या लग रहा है ना कि भाई सिर्फ टायर मतलब इतना तक रह जाए कि अपना आदेश भाई के पास ले जा सके, अगर वो भी पूरा फट जाएगा ना भाई अचानक से तो पूरा ख़त्म, फिर मेरा खर्चा ख़त्म बोले तो फिर खर्चा बढ़ जाएगा, टेंशन बढ़ जाएगा, क्योंकि अपने को फिर वो टोइंग वैन बुलाना पड़ेगा, हेडेक बहुत हो जाएगा। सो लेट्स सी कैसे क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान में रख के करेंगे ताकि अपना कोई प्रॉब्लम ना आए। ओए ओए पटाखा, फिर से पटाखा। और अभी इस टाइम करने का सबसे ज़्यादा मोटिव क्या है ना कि दोपहर को हम लोग अभी जा रहे हैं वो स्टर्न रोड बोल के जो जगह है अपना जयपुर में, बहुत सारा भाई बहुत बाइकर जानता है, बहुत सारा भाई उधर स्टर्न वगैरह पहले बहुत ज़्यादा होता था, आज से कम लगभग 1 से 2 साल पहले। हेलो गाइस, गाइस ये आ चुके हैं फाइनली जयपुर, मेरे हिसाब से मेरे ख्याल से शायद नाम भी स्टर्न रोड ही है इसका मैप में, तो स्टर्न रोड ही दिखाता है या फिर सबको ही बोलता है मेरे को नहीं पता, और दोपहर में आने का सबसे बड़ा रीज़न है फुल होपफुली खाली मिलेगा, लेट्स सी कौन सा जगह में सही होता है, मेरे हिसाब से थोड़ा शेड में सही रहेगा। तो ये देख सकते हो आप लोग, ये जो झील है ना भाई शाम के टाइम में जब सनसेट होता है इतना खूबसूरत लगता है देखने में, अभी भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन तब ना वो जो गोल्डन टाइप का होता है ना, गोल्डन आवर होता है ना, मस्त भाई एकदम मस्त। अरे किधर गया ये लोग यार, इतना दूर में नहीं करना था, वो झील के पास बहुत बेस्ट व्यू आता है। ये देख सकते हो
ओह माय गॉड, पूरा एकदम खाली है भाई, पूरा एकदम खाली है। बेस्ट टाइम है भाई, मतलब वीडियोग्राफी के लिए, कंटेंट बनाने के लिए एकदम बेस्ट टाइम है। कोई इंटरप्शन नहीं होगा, कुछ नहीं है, एकदम परफेक्ट टाइमिंग है। लेकिन अभी क्या होता है ना, धूप इतना तेज़ है ना, पिक्चर वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट आता है, लेकिन शाम के टाइम में जो आता है ना, मस्त आता है। सो गाइस, यस, कॉस्ट्यूम चेंज हो चुका है, मतलब मैं फुल शर्ट पहन के आया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना धूप पे बहुत ज़्यादा टैन हो जाता है, तो इसीलिए अभी पिक्चर लेना है, वीडियो बनाना है, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है ना। वो शर्ट पहन के ना भाई स्पोर्ट्स लुक नहीं आता है, सच बोलूँ तो बाइकर्स लुक शर्ट पहन के आता नहीं, टी शर्ट में बहुत बढ़िया आता है, जैकेट वगैरह तो मज़ा आ जाता है। तो ये लोकेशन चूज़ किया, पीछे जो लोकेशन था ना उधर, वो जो झील टाइप का दिखाया उधर ना, झील पूरा गार्ड हो चुका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये पेड़ ना छोटा छोटा साइड पर भर्ती हो चुका है, तो इसीलिए ना मज़ा नहीं आ रहा था उधर। तो इसीलिए क्या किया, ये जगह पर ना थोड़ा सा वो फॉरेस्ट टाइप का फील आ रहा है, और क्या सोच रहा हूँ ना, ये इधर करते हैं तो पीछे पूरा एकदम सेड आएगा, एंड मैंने कैमरा रिमूव कर दिया है ताकि पिक्चर में थोड़ा अच्छा लगे, एकदम फुल वैसे टाइप के वाइब्स आए। तो अभी देखते हैं, हवा लग रहा है थोड़ा सा कम चुका है, बट ज़्यादा नहीं, तो एक बार बर्नआउट करते हैं ना, बर्नआउट करके फिर से एक बार थोड़ा सा हवा डालेंगे, फिर उधर से निकल जाएंगे आदर्श भाई के पास। तो अभी बाइक वाइक लगाते हैं, किसी के करते दिखाते हैं आप लोगों को। इधर बर्नआउट हो गया है, बहुत बढ़िया हुआ है, ये देख सकते हो आप लोग, ये एंड हियर इज माय बाइक, ये टायर देख सकते हो भाई, इसमें कितना जान रहता है भाई ये सब टायर में। मैंने कम से कम कितना होगा, एक से डेढ़ मिनट, तीन चार जगह, ये एक दो तीन चार, चार जगह मैंने किया है भाई, कम से कम दो मिनट के आसपास किया, फिर भी भाई अभी तक टायर न, मतलब वो तार जो होता है ना, तो अभी तक वो जो तार रहता है इसके अंदर वो अभी तक निकला नहीं है, मतलब सोच सकते हो मिशेलिन। और भाई ये मेरा एक्सपीरियंस जो है ना मिशेलिन रोड पायलट 5 के साथ बहुत मज़ेदार है, इसका एक्सपीरियंस मैंने बहुत किया है, लेकिन मैं न्यू कोई टायर का एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, बट कोई अगर सजेस्ट करो तो क्या, मतलब बहुत सारा टायर है बहुत अच्छा अच्छा, जैसे कि अपना कोर्सा हो गया, एंड उसके साथ साथ बहुत सारा ऐसे है, लेकिन न्यू कभी होता है ना न्यू कोई टायर, तो उसका मेरे को एक्सपीरियंस लेना है। पता नहीं, एक अपोलो का आया है शायद न्यू, लेट्स सी कैसे क्या होता है, मतलब टायर मेरे को ऑर्डर करना है बहुत ही जल्द। शॉर्ट जो है ना, इस तरफ से एक डाला था, उस तरफ से एक डाला था, इस तरफ से एक, पीछे से, तो मतलब चारों ओर से आप लोगों को फुल शॉर्ट जैसा होता है, चारों तरफ का फुल शॉर्ट आप लोगों को दिखा दिया। कैसे लगा वीडियो को लाइक करना ज़रूर से, अच्छा लगे तो कमेंट करना वीडियो को, एंड कमेंट करना कौन सा टायर लगाना चाहिए। सो इसे सीने अभी अभी चलते हैं आदर्श भाई के पास, निकलते हैं। सो गाइस, फाइनली लास्ट शॉट के बाद फिर से एक मैंने बैक से मतलब पिक्चर लेने के लिए मारा था, और ये था लास्ट वाला, उसके बाद फाइनली ये निकल चुका है वायर इसका, एंड ये देख सकते हो पूरा काम तमाम, अभी लग गया खर्चा इसमें, टायर का नाड़ा निकल चुका है, टायर का नाड़ा ये देख सकते हो आप लोग, मतलब पूरा इधर से निकल चुका है, पूरा ब्लैक ब्लैक हो चुका है ये अंदर कैसे, ओ भाई साहब ये सब रबर है, और ये जब निकलता है ना इधर से, ये इतना गर्म रहता है रबर, मतलब जहाँ भी जाता है पूरा चिपक जाता है, ये देख सकते हो आप लोग, ज़्यादा कुछ नहीं, अगर ये नहीं रहता ना पूरा इधर आ जाता मेरा,
तो चलो जो भी है ऐसे कुछ सीन है, अभी निकलने का तैयारी है। गाड़ी घुमा, छोटो गाड़ी घुमाओ, छोटू भाई। छोटू भाई बोलना भूल गया था, मतलब छोटू भाई हो। जितना बार देख रहे ना भाई, ये सब जो देख रहे ना, मतलब देख के लग रहा है ये मैंने क्या कर दिया। सीरियसली भाई टायर का हालत देखो, मतलब मैंने छोड़ा नहीं कि जब तक ये फटा नहीं पूरा। ओ हो, फर्स्ट टाइम मैंने अपना बाइक को इतना तकलीफ दिया, बहुत ज़्यादा हीट हो चुका है। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई टायर ना पूरा डिसबैलेंस होके रखा है, पूरा मिडिल से ना पूरा फ्लैट हो चुका है, एकदम फ्लैट है पूरा नीचे से। और ये सनसेट थोड़ी देर में होने वाला है, अभी बज रहा है 4:30। अगर आप लोगों को कोई भी कहानी से अच्छी लगा वीडियो तो लाइक करना गाइस इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम ही मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत धमाकेदार होने वाला है। और बिग थैंक्स टू अपना साहिल भाई, हैदर भाई, जो कि मेरा हेल्प किया। एक जन होता तो थोड़ा दिक्कत हो जाता, दो जन था तो इसीलिए रील्स के लिए, यूट्यूब के लिए हर तरीके का शूट किया है एंड बहुत सारे एंगल से डाला है। आई होप आप लोगों को पूरा अच्छा लगा होगा। ये बाइक आ चुका है, और ये टायर बाइक का पंचर हो चुका था। हाँ, चार पंचर, एक साथ चार पंचर हो चुका था, इसलिए उसका टायर चेंज मतलब पंचर हो चुका है, अभी लगेगा। और बाइक इधर आ चुका है, टायर फिर से एक बार दिखा देते हैं। ये तो मेरे ख्याल से मैक्स टू मैक्स 20 दिन चलेगा। नहीं 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 नहीं, आपके यहाँ तो 20 दिन ही चलेगा ना भाई। नहीं अभी 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 राइड नहीं है। तो भाई 2-3 हज़ार तो चल जाएगा आराम से ना। हाँ चल जाएगा ना, बस 2-3 हज़ार चल जाए, फिर सोच रहे वो अपोलो का जो है ना। हाँ, वो वाला सही होगा। हाँ, वही सही सोच रहे वही। तो आप एक बार देख लेना सामने पीछे का टायर पूरा चेक कर लेना फिर, ठीक है।